गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जिलाधिकारी अपर समर्थता सहित विभिन्न अंचलों से आए अंचल अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में बागमती परियोजना के अधीन अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान को लेकर खास बातचीत हुई। बैठक में औराई और गायघर विधानसभा के अंतर्गत बेनिवास से लेकर औराई कटौजा तक बांध निर्माण पूरा करने, किसानों का भुगतान करने, 20% की राशि का भुगतान में जो विलम्ब हो रहा है उसे जल्द पूरा करने और भी कई बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ खास बातचीत हुई। मुजफ्फरपुर जिले का रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित आज बैठक हुई। उस बैठक में विषय जिला भूअर्जन एवं अंचलाधिकारियों की समीक्षा हुई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत औराई और कटरा बागमती परियोजना का जो काम चल रहा है वो काम धीमी गति चल रहा था। इसका कारण ये था कि विशेष भूअर्जन के द्वारा वहाँ काम कराया जा रहा था। सरकार की एक नीति है जिसमें विशेष भूअर्जन को जिला भूअर्जन में मर्ज कर दिया गया और विशेष भूअर्जन ने सारी प्रक्रिया पूरा कर ली थी, लेकिन जो विधिवत विभागीय कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाया, जिस कारण से वहाँ की जनता को कुपाजन का शिकार बनना पड़ा, जिस कारण 5-6 साल लगभग वो भुगतान में विलम्ब हुआ है। लेकिन ये दूसरी हमारी बैठक है और DM साहब के अथक प्रयास और विभाग के पदाधिकारियों के प्रयास से मुझे लगता है कि बहुत जल्द यानी कम से कम 6 महीना के अंदर उन लोगों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें मिसिंग 11 मौजे का था जिसका कुछ तैयारी ही नहीं हुआ था, उसका बहुत सारा प्रोसेस आगे चला गया है। उसके अलावे मकान में सहन का मुआवजा भी कुछ लोगों का बाकी है, जो जांच के दरमियान कुछ लोगों ने गलती किया था, जो कि मकान का रकबा कम है या मकान झोपड़पट्टी है उसका मुआवजा अधिक उठा लिया, उस जाँच उपरांत उस पर रोक लगा था, उसकी भी फाइल बढ़ी है, वो फाइल विभाग में जाएगा, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें उसको भी ला करके जल्द से जल्द भुगतान के प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। तीसरा प्रॉब्लम था कि 20% जिन लोगों का भुगतान बचा हुआ है उनका भी मामला लिटिगेशन में है। तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए हमारे विभाग के पदाधिकारी आज सुशील जी भी हमारे आए हैं और यहाँ के DM साहब ने सब लोगों ने बैठ के तमाम पदाधिकारियों से तय हुआ, लोगों ने श्योर किया है कि हम मैक्सिमम 6 महीना के अंदर सारा प्रक्रिया पूरा करके इसी वित्तीय वर्ष में लोगों का भुगतान कर देंगे। दूसरा, जो हमारे जिला के अंदर जमाबंदी, मोटेशन, लगान, LPC और क्या बोलते हैं उसको दाखिल खारिज अतिक्रमण का मामला है, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है और इसमें जो हमारे पदाधिकारी अभी कम काम कर रहे हैं वैसे पदाधिकारियों का वेतन रोका गया है और वो काम टारगेट अपना पूरा कर लेंगे तो वो उनका वेतन रिलीज किया जाएगा। इसके बाद अभी बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला है जिसको हमने आदेश दिया है कि जो भी अतिक्रमण बाद संख्या अंचल में चल रहा है उनको इसी मार्च महीने के अंदर सारे अतिक्रमण को खाली कर देना है, बाकी अतिक्रमण बाद को एडमिट करके उनको भी खाली करना है। लेकिन जो पुरानी प्रक्रिया के तहत काफ़ी लंबे समय से अटका है इसमें जिला से सहयोग लेकर के पूरे मुजफ्फरपुर जिले के अंदर इस अतिक्रमण बाद को चलाना है, जल निकाय का अतिक्रमण बाद को चलाना है, वो जल्दी जब खाली हो जाएगा तब उस पर सरकार कैसे मिला और प्रशासन ने बजाबता वहाँ पे फोर्स लगा के काम शुरू कराया था। वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक विरोध कर रही थी, जो भी आप विरोध कर रहे हैं वो पब्लिक पहले से विरोध कर रही थी लेकिन प्रशासन उस विरोध का दबा, ये तो बेबी विधायक जब थी वहाँ पर MLA तो बेबी ने रो रो भरी थी इस मुद्दे पर और बेबी को भी शर्मा जी ने बेइज्जत किया था, वो भी दिन हमको याद है, और माननीय मिथिलेश तिवारी के सामने में बेइज्जत किया था सर्किट हाउस में। तो सर समन्वय का तो एक मिनट गैप हो गया ना, नहीं समन्वय नहीं बना, आप मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किए, प्रभाव में ला करके किसी से रिपोर्ट करा लिए, ठीक है, मैंने कहा कि कर्मचारियों की कमी से, पदाधिकारियों उनके गुर्गों की कमी से, ठेकेदार की कमी से, जिस कारण से भी हो आपने गलत रिपोर्ट करा के निर्माण कराया। अब रह गई बात कि नियम बिहार के लिए बनता है, किसी एक मुसहरी के लिए नहीं बनता है, मंत्री किसी एक गाँव के लिए काम नहीं करता, पूरे बिहार के लिए काम करता है, तो उनको प्रत्यारोप हमारे पर जो लगाना है हम जो लगाए वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये सरकार की ज़मीन है, सरकार का काम होना चाहिए, लेकिन शमशान की जमीन पर कोई काम नहीं होता है। सर शमशान की भूमि सर कैबिनेट ही किस्म बदलती है, जिला से नहीं बदलाव हो सकता, इसके बाद भी बदलाव हो करके वहाँ काम शुरू हुआ, इतनी बड़ी राशि किस्म बदली नहीं गई है, नहीं सरकार यहां बड़ी राशि खर्च हुई, काम फिर वहाँ बंद हो गया, पूरा फोर्स लगा वहाँ पे, NRC कायम हुआ मरने के लिए। अगर माननीय शर्मा जी इस पर फिर ऑब्जेक्शन डालते हैं तो संबंधित विभाग के पदाधिकारी पर भी कार्रवाई मैं करूँगा।